दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि चाइना हमेशा से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में बहुत ज्यादा आगे रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में बताया जाए जो कि खास तौर पर चाइना में तैयार हुए हैं, जिसके लिए उन्हें चाइनीज गैजेट भी कह सकते हैं। तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं ये गैजेट्स, तो जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल न्यू टेक गैजेट पर, जहां पर मैं आपके लिए ढेर सारी गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चले चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर, न्यूबिया एक्स डुअल स्क्रीन फोन। दोस्तों, अभी तक आपने काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन देखे होंगे जो कि अपने अतरंगी फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, फिर वो चाहे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड हो या हुमाई मेट एक्स। लेकिन दोस्तों, अगर बात करी जाए एक ऐसे फोन की जिसकी स्क्रीन दोनों तरफ है, यानी कि आगे और पीछे दोनों की तरफ आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो ये शायद पहली बार होगा आपके लिए। क्योंकि इससे पहले जो फोल्ड फोन मार्केट में आए हैं, वहां पर आपको स्क्रीन को मोड़ने के ऑप्शंस तो देखने को मिल जाते थे, लेकिन स्क्रीन ओवरऑल आपको एक ही मिलती थी। लेकिन ये फोन कुछ ऐसा है कि इसकी दोनों ही तरफ आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये एक 4G सपोर्टेड फोन होता है, जिसमें 24 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगा होता है। साथ ही इसमें आपको IPS पैनल LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है दोनों ही तरफ, जो कि आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस देने वाली है। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐसे ही किसी फोन को, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये सब फोन मार्केट में भी आने वाले हैं। नम्स मैकबुक ट्रैकपैड। दोस्तों, अगर आप अपनी मैकबुक के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और इसे एक हाईटेक लैपटॉप बनाना चाहते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग आज भी कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैकबुक में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिक कीपैड्स नहीं होते। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस एडवांस ट्रैकपैड का, तो ये आपके मैकबुक में एक छोटा सा न्यूमेरिक कीपैड इनबिल्ट कर देता है, जिसे कि आप एज अ न्यूमेरिक कीज की तरह यूज कर पाएंगे। ये एकदम कैलकुलेटर वाला स्टाइल होता है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन वगैरह करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस तरीके का गैजेट प्रोफेशनल के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। Xiaomi किचन बाथरूम सिंक फॉसेट। दोस्तों, आजकल कुछ ऐसे वाटर टैप्स आ गए हैं जिनके नीचे आप जैसे ही हाथ लगाते हैं तुरंत उनसे पानी निकलने लगता है। लेकिन इस तरीके के वाटर टैप्स काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं अपने नॉर्मल वाटर टैप के ही साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा एडवांस मोशन सेंसर होता है, जिसे कि आपको अपने वाटर टैप में लगाना होगा, जिसे आप नॉर्मली टाइट कर सकते हैं किसी भी तरीके के वाटर टैप में। इसके बगल में एक छोटा सा सेंसर लगा होता है, और अगर आप जैसे ही अपना हाथ इसके सेंसर के पास ले जाएंगे, ये वाटर टैप फौरन ऑन हो जाता है, जिससे कि आप बिना टैप को ओपन करे ही पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके का गैजेट आपके बाथरूम में मॉडर्नाइजेशन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। Amazfit GTS स्मार्ट वॉच। दोस्तों, अगर आप एक एडवांस वॉच परचेज करने का मूड बना रहे हो, तो Amazfit की ये वॉच आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल कीमत में आपको वो सारे फीचर्स देने वाली है जो कि आपको एक अच्छी खासी कीमत की वॉच में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको हार्ट रेट सेंसर के साथ कैलोरी मॉनिटर और स्टेप काउंटर जैसे फीचर मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही वॉच आपके लिए एक नोटिफिकेशन बैंड का तो काम करेगी ही, वहीं अगर आप चाहें तो इसे ऑलवेज ऑन स्क्रीन मोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की Amazfit की ये स्मार्ट वॉच आपको एकदम परफेक्ट फीचर्स अवेलेबल कराती है, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। USB चार्जिंग लाइटर वॉच। दोस्तों, वैसे तो स्मोकिंग बुरी चीज होती है, लेकिन अगर आप फिर भी स्मोकिंग करते हैं, तो आपको ये घड़ी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, नॉर्मली तो हम लोग वॉचेस का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ये उनसे कहीं ज्यादा अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको USB चार्जिंग के सिस्टम के साथ ही साथ आपको एक लाइटर का भी ऑप्शन दे रखा होता है। यानी कि इस चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी घड़ी को तो चार्ज कर ही सकते हैं, साथ ही लाइटर की मदद से आपको सिगरेट जलाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा दूसरी तरीके से सोचे, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट सर्वाइवल गैजेट भी हो जाता है, क्योंकि इससे आप बिना मैच बॉक्स से आसानी से आग जला सकते हैं। DJI डिजिटल FPV सिस्टम। दोस्तों, DJI के क्वाड कॉप्टर्स तो वाकई इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हैं अपनी क्वालिटी को लेकर। आपने भी अक्सर देखा होगा शादियों वगैरह में अक्सर वो आसमान में उड़ा करते हैं और दूर से ही आपकी फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और एडवांस ड्रोन चाहते हैं, जो कि आपको और भी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी अवेलेबल कराए, तो एक बार इस ड्रोन को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रोन होता है जो कि अपनी स्टेबलाइज वीडियोस के लिए जाना जाता है, यानी कि इसकी मदद से आप एडवेंचरस वीडियोस वगैरह आसानी से शूट कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे, और साथ ही एक VR के भी ऑप्शंस दे रखे होते हैं, जिससे कि आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं इस VR पर, जो कि रिकॉर्डेड फुटेज को फील करने का एक बहुत ही रियलिस्टिक वे होता है। लावा प्रोबेल लेंस।
दोस्तों अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के लेंसेज का। दोस्तों वैसे तो नॉर्मली लेंसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं पास की ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ बेहतरीन करना यानी कि पिक्चर में एक अलग सी शार्पनेस चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के माइक्रो लेंसेज का, जो कि खास तौर पर डिजाइन किया गया है क्लोजेस्ट व्यू के लिए। दोस्तों इस लेंसेज की खास बात यह होती है कि इससे आप बहुत ही ज्यादा बारीकी से ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर पाएंगे, जो कि इमेज को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है। वहीं यहां पर आपको इमेज में जो शार्पनेस देखने को मिलने वाली है वो किसी नॉर्मल लेंसेज में आपको देखने को मिल ही नहीं सकती। तो अगर आप भी फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा इस तरीके के माइक्रो लेंसेज को। हालांकि देखने में ये लेंसेज बहुत ही ज्यादा अतरंगी जैसे लगते हैं, लेकिन वाकई इनकी क्वालिटी कमाल की रहती है। एटमस। दोस्तों अगर आप किसी लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं और अगर आपको बहुत सारे कपड़े अपने साथ कैरी करने हैं तो ये गैजेट आपके लिए यकीनन काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नॉर्मली तो बैग में एक लिमिटेड स्पेस होता है, लेकिन अगर आप उस स्पेस को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस गैजेट की मदद से आप अपने कपड़ों वगैरह को एक पॉलिथिन में डालकर वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि उनका साइज बेहद कम हो जाएगा और आप उसे आसानी से अपने बैग वगैरह में कैरी कर पाएंगे। दोस्तों इस गैजेट को खास तौर पर बनाया गया है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, जिससे कि आपके ओरिजिनल लगेज का साइज काफी ज्यादा छोटा, लेकिन इस काम के लिए वैसे भी काफी सारे गैजेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको उन्हें मैन्युअली ऑपरेट करना होता है या फिर वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जिससे कि आप उन्हें अपने साथ में लेकर कैरी नहीं कर सकते, लेकिन ये साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि आपकी पॉकेट में भी आसानी से आ जाएगा। मीको 3D मोबाइल प्रिंटर। दोस्तों अगर आपके दिमाग में काफी सारे आइडियाज वगैरह आते हैं और आप भी उन्हें रियलिटी में चेंज करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की 3D प्रिंटर को। नॉर्मली तो 3D प्रिंटर काफी ज्यादा साइज में बड़े होते हैं, जिन्हें आप आसानी से कैरी नहीं कर सकते, लेकिन इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये साइज में तो बेहद छोटा रहता ही है और अगर आप चाहें तो इसे एज अ बैकपैक कहीं भी ले भी जा सकते हैं। इस प्रिंटर की मदद से आप काफी सारे 3D आर्ट वगैरह बना सकते हैं, साथ ही ये डिजाइन को क्रिएट करने में भी आपकी मदद करेगा। तो अगर आप भी 3D प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं तो ये आपकी इमेजिनेशन को यकीनन रियलिटी में चेंज करने में आपकी मदद करेगा। उलूफोन आर्मर 7। दोस्तों अगर आपके हाथ से मोबाइल गिरकर टूट जाते हो तो खास तौर पर ये फोन आप ही के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि इतना ज्यादा मजबूत होता है कि अगर आप इसे ऊंचाई से फेंकेंगे तब भी इसकी स्क्रीन या कुछ भी इसका नहीं टूटने वाला, यानी कि एक तरीके से आप इसे रफ टफ मोबाइल फोन कह सकते हैं। इसको बनाने में मिलिट्री ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत रहती है, जिससे कि इसके टूटने का कोई चांस नहीं। साथ ही ये आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, यानी कि ये देखने में एकदम नॉर्मल एंड्रॉइड फोन की ही तरह लगता है, जिसे कि आप डेली इस्तेमाल करते हैं। Xiaomi Seeger Design Watch। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कलाइयों पर बंधी हुई घड़ी किस तरीके से काम करती है? ये आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि इसे चलाए रखता है? तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे ही ख्याल आते हो तो एक बार इस तरीके की वॉच को ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इस घड़ी की खास बात होती है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहती है, यानी कि इसके अंदर के पुर्जे किस तरीके से काम कर रहे हैं ये सब कुछ आप देख पाएंगे इसमें। साथ ही ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जिससे कि कोई भी इसे देखकर आपकी कलाइयों की तरफ देखे बिना नहीं रह पाएगा। Xiaomi Mi Zia Mi Handheld Vacuum Cleaner। दोस्तों अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर परचेस करना चाहते हैं तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको Xiaomi की तरफ से मिलने वाले हैं वो एडवांस फीचर्स जो कि आपको नॉर्मल किसी वैक्यूम क्लीनर में देखने को नहीं मिलते। दोस्तों नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर जो भी आते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं, जिन्हें यूज करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से वैक्यूम क्लीनर का, जो कि इतना ज्यादा साइज में छोटा है कि आप उसे पूरा हाथ में ही लेकर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ भी आपको काफी सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से। वहीं घरों के इंटीरियर को देखते हुए इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा परफेक्ट रहेगा। दोस्तों इस गैजेट की खास बात एक और होती है, वो ये कि इसमें आपको किसी भी तरीके की वायरिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इसमें एक छोटी सी बैटरी इनबिल्ट रहती है जिसे कि आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये गैजेट आपके लिए एकदम पूरी तरीके से डिपेंडेंट वैक्यूम क्लीनर हो जाता है। एटम स्मार्टफोन। दोस्तों अगर आप लंबी लंबी ट्रिप पर जाते हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि हमेशा आपके साथ रहे, तो ये गैजेट आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन को खास तौर पर कुछ ऐसी रफ एंड टफ सिचुएशंस के लिए बनाया गया है जहां पर नॉर्मल मोबाइल फोन आपके किसी काम के नहीं बसते। वहीं इस फोन में भी आपको किसी नॉर्मल स्मार्टफोन की ही तरह वो सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इसमें 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होता है और साथ ही 8 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होने की वजह से आप इसे किसी भी सिचुएशन में यूज कर पाएंगे। इसमें 2000 mAh की बैटरी होती है जो कि आपको एक लंबा बैकअप देगी और फंक्शंस की कमी होने की वजह से इसमें बैटरी कंजम्पशन भी थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों अगर आप भी रफ एंड टफ यूज के लिए एक मोबाइल फोन की तलाश में हो जिसे कि आप किसी भी तरीके की ट्रिप वगैरह में ले जा सकें, तो ये गैजेट एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। DJI Ronin SC।
दोस्तों अगर आप भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं और अगर आप चाहते हैं एक गिम्बल खरीदना तो मेरे ख्याल से ये गैजेट आपके लिए एकदम सटीक रहेगा। दोस्तों वैसे तो DJI के गैजेट्स काफी ज्यादा फेमस है फोटोग्राफी के मामले में, लेकिन अगर हम बात करें इस गिम्बल की तो इसमें आपको कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड गिम्बल होता है, यानी कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा सेटिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें आप अपने DSLR और मोबाइल दोनों को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यूजर्स को देखते हुए एकदम परफेक्ट रहेगा। साथ ही आप इसके एक्टिव मोड को ऑन करके फॉलो मी जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि ये खुद ब खुद कैप्चर करता है आपके मूवमेंट को। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसा एडवांस गिम्बल चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। DJI RoboMaster S1। दोस्तों रोबोटिक्स हमारा यकीनन फ्यूचर होगा, ये बात तो सभी को पता है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा रोबोटिक्स के बारे में बताना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्योंकि बुक्स और मूवीज वगैरह में तो आपने रोबोटिक्स के बारे में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन अगर आप इसे रियलिटी में फील करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों DJI की तरफ से ये खास तौर पर एक ऐसा रोबोट होता है जिसमें कि आपको अलग अलग पार्ट्स दिए जाते हैं और साथ ही आप अपने हिसाब से इसे असेंबल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें बच्चों की प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इसमें प्रोग्रामिंग के भी ऑप्शन दे रखे गए हैं, जिससे कि आप स्क्रैच की मदद से इस रोबोट को प्रोग्राम भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चों के अंदर रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो ये गैजेट परफेक्ट रहेगा आपके लिए। बायोनिक अंडर वाटर फिश ड्रोन। दोस्तों अगर आप स्विमिंग नहीं जानते हैं उसके बाद भी मजा लेना चाहते हैं अंडर वाटर सीन्स का तो ये गैजेट एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों वैसे तो अगर आपको समुद्र के अंदर कुछ देखना है तो उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के गैजेट को तो ये आपके लिए ये काम बड़े ही आसानी से कर सकता है। एक फिश की तरीके का ये ड्रोन खासतौर पर बनाया गया है अंडर वाटर सिचुएशन को कैप्चर करने के लिए, जिसमें लगे होते हैं अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो कि आपको 4K HD क्वालिटीज वीडियो अवेलेबल कराते हैं। साथ ही आप इसकी मदद से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अंडर वाटर सिचुएशंस को अपने मोबाइल फोन पर, तो उससे कंट्रोल भी कर पाएंगे आप इस गैजेट को। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा गैजेट जिससे कि पानी के अंदर आप सारी चीजों को देख सके अपने मोबाइल फोन पर, तो ये गैजेट एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। मोई रोबोट। दोस्तों एक्वेरियम को क्लीन करना बहुत ही सरदर्द वाला काम होता है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा टैंक खाली करना पड़ता है, उसके बाद एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से निकालना पड़ता है और साथ ही साथ फिश को भी उनसे हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस काम को थोड़ा सा आसानी से करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रोबोट को, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों ये एक ऐसा ऑटोमेटेड रोबोट होता है जिसे एक बार सेट करने के बाद ये पूरे एक्वेरियम की सफाई खुद ब खुद कर देता है, जिसके लिए आपको पूरा एक्वेरियम खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे एडवांस रोबोट की मदद से अपने पूरे एक्वेरियम को साफ करना तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा इस गैजेट को। निलकिन फैंटम लैंप स्पीकर। दोस्तों अगर आप अपनी ऑफिस टेबल या वर्क स्टेशन के लिए एक छोटा सा टेबल स्पीकर चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसके साथ साथ आपको टेबल लैंप भी मिल जाती है, यानी कि ये स्पीकर से आपके लिए टेबल लैंप का भी काम करेंगे। दोस्तों ये स्पीकर आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आप मोबाइल फोन वगैरह से भी इसमें सॉन्ग्स प्ले कर पाएंगे। वहीं इसकी लाइट्स की अगर बात करी जाए तो वो भी खास तौर पर आई केयर को देखते हुए बनाई गई हैं, यानी कि इनकी इंटेंसिटी ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत ही कम। तो दोस्तों ऑफिस यूज बस ये गैजेट एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। ओमिसोनिक। दोस्तों कभी कभी कुछ चीजें हमें साफ दिखती हैं लेकिन वो रियलिटी में साफ नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छुपे होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसी कुछ चीजों से बचना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि खास तौर पर इन छोटे छोटे बैक्टीरियाज को किल करने के लिए बनाया गया है। ये चीजों को साफ करने के लिए माइक्रोस्कोपिक बबल्स जनरेट करता है, जिससे कि चीजें पूरी तरीके से साफ हो जाती हैं। इसके साथ आपको एक ऐप कंट्रोल भी मिल जाएगा, जिससे कि आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि इसे कितनी देर तक यूज करना है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी बेहतरीन सेहत को लेकर थोड़ा सा भी जागरूक हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। वहीं दोस्तों कपड़े धुलने से लेकर ये ज्वेलरी वगैरह को क्लीन करने में भी आपकी काफी हद तक मदद करता है, जिससे कि वहां पर भी आप बैक्टीरियाज को उनसे साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके का मल्टीपर्पज गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपके लिए। कोल्ड प्रूफ। दोस्तों अगर आप एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर उस जगह पर मॉइस्चर आने लगती है। तो दोस्तों अगर आप इस चीजों से बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। ये एक छोटा सा पैड होता है जिसे कि आप किसी भी तरीके की पावर बैंक वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस पैड पर आसानी से घंटों बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कुछ ऐसे चाइनीज गैजेट जो कि खास तौर पर बनाए गए हैं चाइना में, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया इन्हें इस्तेमाल कर रही है। तो आपको ये गैजेट्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।